हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रीतेश आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश, हाथ जोड़कर प्यार से, रिस्पेक्ट से, सम्मान से, जो आपने प्यार हमें स्नेह दिया है मोनेटाइज होने पर के बाद, अब हम अपने लगभग 200 वीडियो डाल चुके हैं, उन वीडियोस को देखें आप और अपने ज्ञान को बहुत अच्छे से तैयार करके और इस पूरे विश्व में अपना परचम लहराएं। बात आती है अब हमारे साथ स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर की भी, राइट। आज से हम ये जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम ग्रामर के बेस को लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर भी उतनी ही जरूरी है आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फर्स्ट क्लास से ही पढ़कर जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक पढ़ते हैं, और जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो हमें पढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर ग्रामर तो उसी दिन खत्म होगी जिस दिन अपना कारवां खत्म होगा। मतलब ये है कि ये भी हमारे एक जीवन का बहुत बड़ा, एक कहना चाहिए, शिक्षा की शैली है। इस शैली में आपको उतरने के लिए ग्रामर का होना बहुत जरूरी है। और ग्रामर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रेत, गिट्टी, सीमेंट, मिट्टी, लोहा, ये सब चीज़ एक मकान के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल सेम ये कंडीशन कही जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी अच्छी आधारशिला बनाने के लिए। सो जस्ट यू आर गोइंग टू मेंटेन द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंग्लिश ग्रामर एज वेल विद द स्पोकन। दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्रामर पार्ट। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द इनिशियल पोजिशन। मैं अब आपको बहुत आराम से लेकर चल रहा हूँ और हम इन छोटे छोटे 10-15 मिनट के वीडियोज के थ्रू हमारी पूरी ग्रामर की सीरीज आप तक लेकर आ रहे हैं, राइट। अब इस पूरी सीरीज को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे अपना टाइम निकालना, डिपेंड ऑन यू। अगर आप अपना टाइम निकाल पाएंगे अपने अच्छे से, बहुत अच्छे से अगर आप ग्रामर को पार्ट को पढ़ेंगे तो आपके आने वाले जो भी चीज है, वो एकेडमिक हो, फर्स्ट टू ट्वेल्थ की ग्रामर हो, कॉलेज की ग्रामर हो, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश हो, यूपीएससी, CDS, NDA, whatever, जहां भी आप जाएंगे, ग्रामर देखिए, ही को तो ही कहा जाता है ना, यू को यू कहा जाता है ना, कैन कुड शुड मॉडल होते हैं ना, ये थोड़ी होते कैन कुड शुड मॉडल हो गए 10th में, 12th में जाकर वो बड़े बड़े एक्टर हो गए, ऐसा नहीं होता भैया, जो है वही रहता है, राइट। हम अपनी ग्रामर को बिल्कुल हंसी मजाक के रूप में जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे। हम आज अपनी ग्रामर को शुरू करने जा रहे हैं, उसका बेसिक पार्ट मैं आपको दे रहा हूं। सेंटेंस क्या है इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे से हम सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच और कई चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। आज आपका ये पहला वीडियो जो कि मैं शुरू कर रहा हूं, स्टार्टिंग के लिए मैं आपको अपने साथ प्राइम मोटिवेशन के साथ जोड़ रहा हूं। और प्लीज, इससे पहले कि आपको और आगे के लगातार कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहे और आप अपनी ग्रामर को बहुत अच्छा बना सकें, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमारी हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा दोनों को हम बेस लेकर अपनी ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं। अगर मेरी बात समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका आंसर दे दूंगा। आज हम हिंदी को बेस लेकर इंग्लिश की ग्रामर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिना किसी माध्यम के आप किसी दूसरी चीज़ को अच्छे से नहीं जान सकते या जानकार नहीं बन सकते। आज मैं आपको हिंदी से लेकर इंग्लिश की ओर, ग्रामर की ओर जा रहा हूँ। हमारी जो माध्यम भाषा है उसे हम हिंदी कहते हैं और हिंदी हमारी एक भाषा होती है। जैसे हिंदी एक भाषा है, ऐसे ही हमारे पास एक भाषा का और हमें ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है, वो है इंग्लिश, अंग्रेजी, राइट। ओके, हिंदी भाषा जो होती है उसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है वर्णमाला। ऐसे ही इंग्लिश में पहला पार्ट आपका होता है अल्फाबेट, राइट। अब देखिए, वर्णमाला में दो चीजें होती हैं, ठीक है, वर्णमाला में दो चीजें होती हैं, कैसे देखें जरा। पहला होता है आपका आ से लेकर आह तक आने वाला आपका स्वर, और बाकी नीचे का से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक आने वाली चीज को हम लोग बोलते हैं व्यंजन। ऐसे ही इंग्लिश में बात करें तो हमारे ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं, इसमें अलग अलग नहीं होते हैं, इसमें बीच में रहते हैं, उनको निकाल लेते हैं हम लोग। क्या होता है? स्वर, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल, और वो होते हैं क्या हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। और अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो इनको छोड़कर पांच को, बाकी 21 जो होते हैं वो होते हैं हमारे व्यंजन, जिनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, राइट। तो हिंदी एक भाषा जिसमें स्वर और व्यंजन
आ से लेकर आहा तक स्वर, का से लेकर ज्ञा तक आपका व्यंजन, ऐसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज और लैंग्वेज में अल्फाबेट, अल्फाबेट में ए टू जेड अल्फाबेट, जिसमें ए ई आई ओ यू आपका वोवेल और बी से लेकर जेड तक ए ई आई ओ को छोड़कर वो हो गए हमारे क्या कॉन्सोनेंट, क्या क्या, बी सी डी ई छूट गया, ए छूट गया और ई छूट गया, एफ जी एच आई छूट गया, जे के एल एम एन ओ छूट गया, पी क्यू आर एस टी यू छूट गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, राइट। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट ये दोनों कंडीशन हो गई हमारी। अब देखिए आप, जैसे ही मैंने कहा कि भैया आपको अल्फाबेट मिल गए हैं, अब इन अल्फाबेट में आप क्या करोगे, तो स्वर और व्यंजन दोनों को जब हम मिलाते हैं, जैसे मैंने एक स्वर लिया एक व्यंजन लिया, मैंने लिख दिया का और उसमें आ की मात्रा लगा दी आ, और मैंने लिख दिया मां तो हो गया काम, ठीक है एक शब्द बन गया। मैंने लिखा का आ की मात्रा माँ में छोटी की मात्रा, ना में बड़ी की मात्रा, कामिनी एक नाम हो गया, मतलब क्या हो गया, मैंने लिखा ना उसमें ए की मात्रा, हा में आ की मात्रा नेहा, मैंने लिख दिया ला आधा ड और डा में बड़ों की मात्रा लड्डू, मुंह में पानी आ गया, अरे पानी नहीं लाना, तो लड्डू। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, लड्डू पेड़ा, जो भी लिखना है आपको वो सब इसी से स्वर और व्यंजन से ही लिखाएंगे, राइट। ये व्यंजन खाने वाला व्यंजन नहीं है भाई साहब, खाने की याद मत दिलाओ, मैं ब्राह्मण आदमी, मुंह पानी आ जाता, दिक्कत होती, चलिए ठीक है। तो लड्डू, सॉरी मुंह में बाढ़ आ गई थी, ओके। तो लड्डू पेड़ा नेहा कामिनी ये सब खा गई लड्डू पेड़ा, अब इधर आ जाए, जरा इधर लड्डू खाते। अब अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में मैंने ए के साथ एम जोड़ दिया, तो ए के साथ एम जोड़ गया तो वो हमारा क्या बन गया, वर्ड अर्थात शब्द बन गया, इंग्लिश में शब्द को वर्ड कहते हैं। आई अकेला लिख दिया वो भी एक शब्द है, जी के साथ ओ लगा दिया वो भी एक शब्द है, मतलब इस तरीके से आप जैसे हिंदी के स्वर और व्यंजन मिला रहे थे ना, तो शब्द बन रहा था, इंग्लिश में आपने वोवेल कॉन्सोनेंट मिला दिया तो आपका वर्ड बन गया, शब्द वर्ड राइट। तो हिंदी इंग्लिश वर्णमाला अल्फाबेट स्वर व्यंजन वोवेल कॉन्सोनेंट इनसे मिक्स होकर क्या बन गया, शब्द, जिसे क्या कहेंगे, वर्ड। अब देखिए जब आपको शब्द मिल जाते हैं तो शब्द से पूरी रचना होती है, शब्द मतलब एक पर्टिकुलर कोई भी पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, एक अगर अंग मिल गया तो शरीर तो हम बना लेंगे, शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, मतलब भगवान, बाप रे नई चीज है, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर पांचों चीजों का मिला हुआ, पांच तत्व से मिला हुआ भगवान, हर इंसान भगवान होता है। एक्सक्यूज मी आई एम यू आर नॉट गॉड, यार अपन लोग अभी गॉड नहीं, अभी अपन ह्यूमन है, राइट। तो इस तरीके से हमारा, हम लोगों ने भगवान जैसा पांच तत्वों से मिलकर बना, सेम कंडीशन हम अपने शब्दों को संग्रह करके और हम अपने वाक्य को बनाते हैं, और वाक्य को बनाना ही बहुत बड़ी आर्ट है, इट्स अ वेरी बिग आर्ट टू मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश। जैसे हिंदी में हमारे वाक्य होते हैं ऐसे ही इंग्लिश में हमारे सेंटेंस होते हैं, और अगर हम वाक्य बनाना जान जाएं तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाना जान जाएंगे, वाक्यों के प्रकार जान जाएं तो इंग्लिश में सेंटेंस के टाइप प्रकार टाइप तो ये जान जाएंगे, और हमारे जो वाक्य बनाते हैं तो वाक्य कई प्रकार के होते हैं, आदेशात्मक प्रार्थना वाला ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, मतलब मैं मिक्स बोल रहा हूं, प्रश्न होता है, उत्तर होता है, क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, प्रार्थना होती, रिक्वेस्ट होती, सलाह होती, एडवाइस होती, ऑर्डर होता, आदेश होता, मतलब इस तरीके से कई आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। आप एक ही बार में थोड़ी पढ़ा दूंगा सब कुछ, अगले वीडियो में आपको मैं जो लेकर आ रहा हूं वो ये लेकर आ रहा हूं कि आपने शब्दों की संरचना से वाक्य बना लिया, वाक्य का फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, क्यों लगती हैं, ये यहां होता है वो वहां, मैं आपको दरअसल क्या बताना चाहता हूं एक ब्रीफ स्टोरी में, उसके बाद टू बी कंटिन्यूड, सुनिए जरा। मैं राम हूं, ये हिंदी होती है, और इंग्लिश मैं हूं राम ये इंग्लिश होती है, तो ये मैं राम हूं का हूं इधर आ गया, राम इधर आ गया, ऐसा क्यों, बस जानने के लिए अगले वीडियो तक का वेट कीजिएगा। सून प्रीतेश इज गोइंग टू मीट यू वेरी सून, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू लाइक द बेसिक पार्ट 1, टेक केयर, गुड बाय।